तोड़ दिया गया है, जो भी मकान है सबको तोड़ दिया गया है, छोटा मकान हो बड़ा मकान हो सबको तोड़ दिया गया है। आपका संपाचक बाजार में ये जो आप ये बाजार देख रहे हैं वो संपाचक बाजार का इतना भारी बाजार है। ये जो पुल है पाटलिपुत्रा माँ चैनल के पास, इसमें काम लगता है फिर रुक जाता है, काम इसमें ढंग से हो नहीं रहा है। हाँ जी, तो स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भैया आज हम बना रहे हैं वीडियो सोगी मोड़ से लेकर के बैरिया बस स्टैंड तक रोड अपडेट देंगे। रोड में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो आप चले जाइएगा सोगी मोड़ की तरफ, और यहाँ से इस यहाँ पे जो रोड देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से परसा बाज़ार चले जाइएगा जहाँ हाल ही फिलहाल में खेसारी जी का प्रोग्राम हुआ है, आप परसा बाज़ार चले जाइएगा। और यहीं से आप जगनपुरा जो मोड़ है बाईपास पे NH30 पे वहाँ पे चले जाइएगा इसी रास्ता से, और ये यहाँ पे यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो आप देख लीजिए, ऑटो बहुत सारा लगा हुआ है। और ये सामने आप मसौड़ी की तरफ जाइएगा, सोगी मोड़ होते चले जाइएगा और वहाँ से हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। और इधर आप चले जाइएगा पटना की तरफ, मतलब पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, और ये बाज़ार है संपाचक बाज़ार। और अभी हम अभी रुके हुए हैं जहाँ से आपका लिंक रोड होता है परसा बाज़ार जाने के लिए वहाँ पे। और यहाँ पे आपको बता दें कि आप कैसे पहचानेंगे कि हम किस जगह पे हैं, तो यहाँ पे दो मंदिर है, एक बजरंगबली का एक शनिदेव का। बहुत दिनों से आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा था कि हम कहाँ का वीडियो बनाएं, लेकिन एक भाई का कमेंट आया है कि 0 माइल से लेकर के संपाचक बाज़ार तक का वीढ़ियो बनाइए। तो हम उनका कमेंट पढ़ कर के खुश हुए हैं और फिर से हम उल्टा बना दिए, मतलब संपाचक बाज़ार से लेकर के बैरिया बस स्टैंड तक का वीडियो बनाएंगे। तो ये सब ठेला सब्जी मार्केट ये सब लगा हुआ है संपाचक बाज़ार में। ये जो आप ये बाज़ार देख रहे हैं वो संपाचक बाज़ार का इतना भारी बाज़ार है। संपाचक काफ़ी डेवलप हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी सारा मॉल खुल चुका है, बड़ा बड़ा 2-3 मॉल है, स्टाइल बाज़ार है, वी मार्ट है, ट्रेंड्स है, और छोटा मोटा तो बहुत सारा मॉल है, हम गिनकर भी नहीं बता सकते हैं कितना है। और यहाँ पे हर चीज़ का सेपरेट दुकान है, जैसे कि आपको बैग लेना है, कपड़ा लेना है, मतलब हर चीज़ का सेपरेट दुकान है। देखिए बर्तन का है तो यहाँ पे सिर्फ बर्तन ही आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक का कोई सामान लेना है जैसे फ्रिज कूलर तो ये सब आपको अलग मतलब दुकान में मिलेगा। हर चीज़ का मतलब कहा जाए ना तो डेवलप कर दिया गया है संपाचक को, बिल्कुल ही शहर जैसा ये संपाचक बन गया है। आप ये मार्केट से देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो भाई कमेंट किए थे वो भाई ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा दोबारा से, क्योंकि आप ही का कमेंट पढ़ करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए इस साइड का काफ़ी कुछ दिखा दिए हैं, अब इस साइड का भी कुछ दिखा दें आपको। और आपको बता दें कि संपाचक में मछली जो है ना वो मछली बाज़ार बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे मछली आइए और ख़रीद करके और ले जाइए, और यहाँ पे आपको मछली मुर्गा का दुकान भी बहुत सारा मिल जाएगा वहीं पे जहाँ से हम वीडियो स्टार्ट किए थे, मतलब परसा बाज़ार जाने वाला जो रास्ता था वहीं पर आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा मछली का मुर्गा का, आइएगा तो ज़रूर खाइएगा। और ये जो सीन देख रहे हैं वो संपाचक में स्कूल है, ये संपाचक का स्कूल है और यहीं पे एक गर्ल्स स्कूल है, देखिए ये गर्ल्स स्कूल है यहीं पे। और ये जो है वो है संपाचक का ब्लॉक, ये संपाचक का ब्लॉक हुआ और ये हुआ मेन गेट ब्लॉक का, और यहाँ से संपाचक बाज़ार लगभग ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप चले जाइएगा अब्दुल्ला चक के एरिया में। तो यहाँ पे कुछ कुछ अभी बाज़ार है जैसे कि मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग, डीजे वाले लोग, यही सब दुकान मिलेगा, खाने पीने वाला सब सामान ख़त्म हो गया पीछे ही था। इधर मतलब जो बर्तन ये सब होता है ना टीना वगैरह ये सब का दुकान इधर मिलेगा, गाड़ी बनाते हैं वो लोग मिलेगा, और इधर कुछ नहीं मिलेगा। चलिए रोड को भी साथ साथ में दिखाते चलें। पचक मार्केट हम लोग पार कर गए हैं, अब हम लोग चलेंगे अब्दुल्ला चेक एरिया में, और साथ में आपको रोड अपडेट भी दिखा दें कि आखिर रोड में कितना ज़्यादा काम हुआ है और क्या कुछ काम बाकी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और ये जो पुल देख रहे हैं ना रोड पे जो रहता है नाला वाला पुल, ये पुल क्रॉस कर गए, इसका मतलब हम लोग संपाचक को क्रॉस कर चुके हैं, बाज़ार भी और संपाचक का एरिया भी। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, ज्ञानस्थली नाम है, ज्ञानस्थली हाई स्कूल, CBSE मीडियम है, और
और यहाँ तक आप देख रहे हैं ये धूल मिट्टी उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिवाइडर बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक बनते आ गया है। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से लेकर के यहाँ तक डिवाइडर बन चुका है और ये दोनों लेन सेपरेट हो चुका है, आने वाले लोग और जाने वाले लोग दोनों का लेन सेपरेट हो गया है। अब आप दोनों देख पा रहे होंगे कि दोनों लाइन से ही गाड़ी आ रहा है और जा रहा है। यहाँ पे आप रॉन्ग साइड में इसलिए देख रहे होंगे कि इस लेन से भी जो हम जिस साइड से जा रहे हैं उस लेन से भी ट्रक या फिर मोटरसाइकिल इसलिए आ रहा है क्योंकि अब्दुल्ला चक के अब्दुल्ला चक में जो पुल बन रहा है उस पुल में थोड़ा काम चल रहा था, इसके कारण वहाँ पे डाइवर्जन भी है, अब्दुल्ला चक में डाइवर्जन भी है, उसी डाइवर्जन से सब लोग टर्न लेकर आ जा रहे हैं इसमें। हालांकि आज काम बंद है, आज उस लेन को चालू कर दिया गया है, कल तक वो लेन बंद था इसलिए सब लोगों का आदत लगा हुआ है और इस लेन में आ जा रहे हैं। रोड बन करके रेडी है, एक साइड रोड बिल्कुल ही बन करके रेडी है और एक साइड कुछ बाकी है और यहीं पे आपका शिवम कॉन्वेंट स्कूल है, वो जो आप देख रहे हैं पीला वाला बिल्डिंग वो शिवम कॉन्वेंट स्कूल है। और इस साइड देखिए एक साइड रोड बन करके रेडी है और एक साइड बाकी है, लेकिन इसी लाइन से दोनों गाड़ी आ रहा है जा रहा है और यहाँ पे पुल थोड़ा सा बाकी है वरना ये सब कंप्लीट है। और ये अब्दुल्ला चक का एरिया है और इधर सब्जी है, सब्जी का खेती होता है अब्दुल्ला चक गाँव में। और अब हम लोग जाने वाले हैं बैरिया के एरिया में, अब हम लोग बैरिया के एरिया में एंट्री करने वाले हैं, कुछ ही सेकेंड में हम लोग बैरिया में एंट्री कर जाएंगे और बैरिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है जो आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से बैरिया स्टार्ट हुआ, देखिए बैरिया में पहले कुछ काम नहीं हुआ था, हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं लेकिन कुछ भी अपडेट बैरिया का नहीं था क्योंकि बैरिया में कोई काम हुआ ही नहीं था। लेकिन अब आप देखिए कल ही यहाँ पे ज़ोर से काम चलाया गया है, मतलब जो भी घर था 35 फीट इससे इधर और इससे इधर जो बीच है वहाँ से 35 फीट इधर और 35 फीट इधर तक जो भी घर है सबको तोड़ दिया गया है और जो नहीं टूटा है वो टूट जाएगा, एक से दो दिन में सब टूट जाएगा। देख लीजिए हाल ही फिलहाल का सब घर टूटा हुआ है, मतलब सब कल ही घर टूटा है। और यहाँ पे एक मंदिर भी था, मंदिर को भी तोड़ दिया गया है और जो भी आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो मकान था रोड से 35 फीट दोनों साइड तोड़ दिया गया है, जो भी मकान है सबको तोड़ दिया गया है, छोटा मकान हो बड़ा मकान हो सबको तोड़ दिया गया है, आप साफ साफ देख लीजिए। और यही बैरिया का अपडेट है, बैरिया में ऐसे बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं, लगभग 7-8 वीडियो पटना टू गया रोड का बना चुके हैं लेकिन आज तक हम बैरिया का कोई भी अपडेट नहीं दिए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बैरिया का ये अपडेट दे रहे हैं कि जो भी घर है जो भी टूटना था जहाँ तक रोड बनना था वो सब का सब घर टूट गया है और जो नहीं टूटा है वो एक से दो दिन में ही टूट जाएगा। और ये सब देख लीजिए जेसीबी लगा हुआ है जो कि घर तोड़ने में काम करता है। और तो अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे बैरिया में छठ पूजा हुआ था तालाब, उस तालाब के पीछे देखिए ये पीछे तालाब है, तालाब आपको नज़र आ रहा होगा, उस तालाब के आसपास तालाब को हम लोग पार कर चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे इलाहीबाग के एरिया में, उसके बाद चले जाएंगे पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल और वहाँ का भी कुछ अपडेट दिखा देंगे आपको। चलिए तो लगभग हम लोग बैरिया को क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इलाहीबाग का एरिया में और उसके बाद उधर तो बहुत ही शानदार रोड बन चुका है तो वो भी दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पे ये डाइवर्जन है, मेन रोड ये हुआ और ये डाइवर्जन हुआ और ये डाइवर्जन से ही गाड़ी टर्न करके कि ये पुल क्रॉस करेगा और ये पुल इसलिए क्रॉस रहेगा क्योंकि इस पुल को तोड़ करके नया पुल बनेगा, ठीक है, इस पुल के कारण ही वो डाइवर्जन बनाया गया है ताकि जो गाड़ी है वो उस डाइवर्जन से इस पुल को क्रॉस कर जाए और इस पर काम चलते रहे, यहाँ से क्रॉस करे और मेन लाइन पे आ जाए। और ये जो रोड है ये रोड चला जाएगा कछुआरा और नंदलाल छपड़ा, इसी रास्ता से आप निकल जाइएगा और यहाँ से आपका बैरिया का पॉइंट होता है, यहाँ से ही आपका इंड पॉइंट है बैरिया का, पुल क्रॉस की इसका मतलब बैरिया क्रॉस कर गए आप। चलिए और ये जो स्कूल है प्रेमालोक मिशन स्कूल, ये स्कूल CBSE मीडियम है और बहुत ही अच्छा स्कूल है और यहाँ का आपको रोड अपडेट दिखा दें, ये शानदार रोड देखिए दोनों तरफ लाइन सही है, दोनों लेन जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट है, डिवाइडर है वो भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ पे कुछ
भी बाकी नहीं है, लेकिन डिवाइडर जो है, ये डिवाइडर सिर्फ नाम के लिए डिवाइडर है, फूलपत्ति लगा सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस ऐसे ही डिवाइडर नाम के लिए लगा दिया गया है, मतलब लेन को सेपरेट करता है, इस लेन को उस लेन को, बस। तो देखिए आप बैरिया के बाद का रोड, बैरिया के बाद का रोड आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। और ये जगह जगह पे डाइवर्जन बनाया जाता है ताकि उस लेन से इस लेन में आ सके और इस लेन वाले उस लेन में जा सके। और यहाँ पे ही एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के कारण ही बनाया गया है एक और जो बट होता है, बट पॉइंट होता है, उसको एक और बनाया गया है आगे में। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पाटलिपुत्रा पहुँच के अंदर। तो ये देखिए ये पेट्रोल पंप हुआ और ये पेट्रोल पंप पर जो यहाँ से टर्न ले सकते हैं आप, वो बनाया गया है कट पॉइंट। चलिए अब हम लोग यहाँ जैसे ही क्रॉस कर गए हैं तो आगे एक मंदिर मिलेगा, तो आगे जैसे ही मंदिर मिलेगा तो इलाहीबाग ख़त्म हो जाता है वहाँ से और पाटलिपुत्रा पहुँच के अंदर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यही था रोड का अपडेट, चंपा चक से हम पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल आ चुके हैं, या दूसरे शब्द में बोले तो बैरिया बस स्टैंड या फिर पटना का न्यू बस स्टैंड। देखिए ये मंदिर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग इसी रास्ता में गए थे छठ पूजा देखने, आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर याद होगा। और यहाँ से इलाहीबाग ख़त्म हुआ और जैसा ही ये पुल क्रॉस करेंगे आगे एक पुल मिलेगा तो वहाँ से हम लोगों का एरिया स्टार्ट होगा पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का। पुल है पाटलिपुत्रा बस टनल के पास, इसमें काम लगता है फिर रुक जाता है, काम इसमें ढंग से हो नहीं रहा है। और हम लोग फाइनली उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां का हम लोगों का बहुत देर से इंतज़ार था कि पाटलिपुत्रा बस टनल हम लोग कब पहुंचते हैं। और चलिए हम लोग पाटलिपुत्रा बस टनल आ चुके हैं और यहां पे अंदर बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन आज हम अंदर का कोई भी सीन नहीं दिखाएंगे, बस रोड का दिखाएंगे। तो आप देख लीजिए पहले जब शुरुआती में आया था ये बस टर्मिनल, यहाँ पे सारा बस आया था तो कितना ज़्यादा जाम रहता था, लेकिन अभी देखिए कोई भी जाम नहीं है। और आप फूड स्टॉल देख लीजिए, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई उस साइड का भी फूड स्टॉल दिखा दीजिएगा, तो भाई देख लो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूड स्टॉल लग चुका है जो आप देख लीजिए, एक भाई का कमेंट आया था। तो हमको सब कमेंट याद रहता है, हम सब कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको जैसे ही आसपास में आए तो बता दिए कि इस साइड का भी आप देख लीजिए फूड स्टॉल, इस साइड का तो हम प्रॉपर वीडियो बना करके दिखाए थे लेकिन इस साइड का नहीं दिखाया था। तो चलिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है और ये मेट्रो का बोर्ड वहाँ तक लग जाएगा, अभी आधा से कम में लगा है, 5% जगह पे लगा है, मतलब 5% डिस्टेंस पे लगा है, अभी बहुत सारा बाकी है, जब बोर्ड लग जाएगा तो मेट्रो का काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के पास और संपाचक बाज़ार से लेकर के और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक का ए टू जेड जगह पे हम रिकॉर्ड किए हैं वीडियो और बहुत ही अच्छा से वीडियो को रिकॉर्ड किए हैं, जितना पॉसिबल हो सका ऑटो में उतना अच्छा से हम रिकॉर्ड कर लिए हैं वीडियो को। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप में से एक भाई का कमेंट आया था, मात्र एक भाई का कमेंट आया था कि भाई लाइट ज़्यादा हो गया, मात्र एक भाई का कमेंट आया था कि भाई क्या बोलते हैं 0 माइल से लेकर के संपाचक बाज़ार तक का एक वीडियो और बना दीजिए, तो हम उन्हीं का कमेंट पढ़ करके फिर से इस वीडियो को बनाए हैं, लेकिन उल्टा बनाए हैं, वो बोले थे 0 माइल से लेकर के और संपाचक तक बनाने का, लेकिन हम संपाचक से लेकर के पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक बनाए हैं, आगे भी ऐसा ही है, बस एक आगे पुल बन रहा है उसका भी हम अपडेट देंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखते हुए हम यहीं तक वीडियो को बनाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।